तो चलिए दोस्तों आज की भी शुरुआत करते हैं ओला से। ओला दोस्तों अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल में 10,000 रुपये का और दोस्तों बढ़ा दिया, मतलब प्राइस हाइक कर दिया। उनका कहना ऐसा है कि हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है बैटरी को प्रोटेक्ट करने में, इस तरह की कोई न्यूज़ निकल के आ रही है। मतलब पहले सड़ेला देते थे इसलिए फटता था, अभी दोस्तों उसका 10,000 चार्ज एक्स्ट्रा करने वाले। आपको दोस्तों ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसा लगा, कोई तरीका है भीख मांगने का, ओला का कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे हैं टेकबॉक्स मॉर्निंग में बहुत ही जबरदस्त वीडियो डाला है। मी आई यू आई 13.0.4.0 का जो नया अपडेट आया है उस पर डिटेल वीडियो कराया है रेडमी नोट 10 प्रो पे, जाके देख लीजिए। आप बात करते हैं कल के पोल की। हमने आपसे दोस्तों राय लिया था कि हम छोटी छोटी क्लिप्स इस तरह का लगाते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो दोस्तों आपको दिक्कत परेशानी होती है या मजा आता है फन के लिए? तो दोस्तों 72% लोगों ने कहा कि हाँ भैया लगा सकते हैं, बाकी के लोगों ने कहा कि नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए भैया हम फन के लिए लगाते हैं लेकिन थोड़ा कम कर देंगे, लेकिन लगाएंगे जरूर क्योंकि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को मजा आता है। तो जिनको मजा आता है लाइक जरूर ठोके, और जिनको मजा नहीं आता है वो भी ठोकी दीजिए दोस्तों इस तरह का अमेजिंग वीडियो के लिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों गुड न्यूज़ ये है कि सितंबर अक्टूबर तक इंडिया में 5G लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों IIT मद्रास ने इस पर टेस्ट किया और आज पहला कॉल किया था दोस्तों 5G नेटवर्क से। इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है, आपको क्या लगता है दोस्तों बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिलेगा या दोस्तों ये भी जुमला बात ऐसा लगा मेरा मजाक जी है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब उबेर की। उबेर में दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि ये भी अपना प्राइस बढ़ा दिया है पेट्रोल महंगा होने की वजह से। आपको क्या लगता है दोस्तों आने वाले टाइम में फिर से बैलगाड़ी का हम यूज करेंगे, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब ट्विटर की। ट्विटर ने दोस्तों एक नोटिफिकेशन आज सबको भेजा है और बोला गया है कि आप अगर अनफंड संड काम करेंगे भैया तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे, डिलीट कर देंगे आपका अकाउंट को। इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है, मतलब कोई भी ऐसा काम मत करिएगा ट्विटर में जिससे किसी को हर्ट हो जाए या फिर किसी भी चीज़ का। अब आप बेहतर समझते हैं, फिर से हमको पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है दोस्तों, बस इतना ही है। तो मत करिएगा अनफंड काम वरना दोस्तों ट्विटर आपको ब्लॉक कर देगा। चलिए दोस्तों वक्त होता है आपके सवाल लेने का। तो दोस्तों हैकर भाई का सवाल है, इनका सवाल है कि गेम टर्बो में जो दोस्तों ग्राफिक ड्राइवर प्रेफरेंस जो होता है उसको सेट करने के बाद क्या डेवलपर ऑप्शन में जाके ग्राफिक ड्राइवर प्रेफरेंस को ऑन करना पड़ेगा? ये दोस्तों इनका सवाल है कि ऑन करेंगे तो क्या अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा, या इसे ऑन करना जरूरी है? तो हाँ 100% जरूरी है। अगर आप BGMI वगैरह खेलते हैं तो अपने फ़ोन का डेवलपर ऑप्शन में जाइए, ग्राफिक ड्राइवर प्रेफरेंस में जाइए और वहाँ पर दोस्तों BGMI को ग्राफिक में सेट कर दीजिए, तो आपका दोस्तों फ़ोन जो है मस्त चलेगा BGMI खेलने के टाइम में, ज़रा भी दोस्तों फ्रेम ड्रॉप वगैरह नहीं होगा। तो ये लेटेस्ट काम आप ज़रूर करिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं Xiaomi की। तो सबसे पहले बात दोस्तों बात करते हैं Mi Band 7 की। 1.62 इंच का दोस्तों सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिख रहा है, थोड़ा सा चौड़ा रहेगा दोस्तों, लेकिन ये 24 मई को दोस्तों चाइना में लॉन्च हो जाएगा। इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है दूसरे और भी फोन के साथ, आगे बताते हैं। वही दोस्तों 24 मई को लॉन्च होने वाला है Xiaomi का दोस्तों Book Pro 2022। ये जो है दोस्तों Ryzen 6000 प्रोसेसर के साथ, मतलब न्यू लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ लॉन्च होने वाला है इंडिया में। दोस्तों आपको क्या लगता है ये आएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब Redmi Note 11T। ये जो फ़ोन है दोस्तों हल्का फुल्का इसका डिज़ाइन जो है ना कॉपी दिख रहा है मुझे, क्योंकि दोस्तों इसका डिज़ाइन जो है Realme के GT वगैरह है उसी के तरह दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीमेंट किए हैं वो लोग। लेकिन दोस्तों ये जो फ़ोन है इसमें सबसे ज़बरदस्त चीज़ इसका दोस्तों जो डिस्प्ले होने वाला है 144Hz के साथ दोस्तों LTPS IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसका पीक ब्राइटनेस दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त 1000 nits का होगा। समझ सकते हैं, मतलब दोस्तों AMOLED बाद आप ये भी जो है दोस्तों एक अलग लेवल पे जा रहा है LCD। आपको क्या लगता है दोस्तों ये आएगा इंडिया में Xiaomi 11T के नाम से, कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं Realme पैड की। हमने आपको बोला था कि एक फ्लैगशिप पैड आने वाला है Realme का, तो उसका दोस्तों रिवील हो चुका है। 26 मई को दोस्तों ये चाइना में लॉन्च होगा और इसके साथ इसका पेन भी देखने को मिल रहा है दोस्तों। और ये जो है ऐसा बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर के साथ आने वाला है। सिंगल दोस्तों कैमरा देखने को मिलेगा फ्रंट और बैक में, और ये दोस्तों वाईफाई और VoLTE दोनों में सपोर्ट करेगा और ये 5G भी होगा। इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है, आपकी जो भी राय है कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं Realme का एक धमाकेदार फ़ोन Realme GT New 3T। काफ़ी लंबा नाम हो गया दोस्तों, लेकिन ये भी फ़ोन दोस्तों अगले मंथ लॉन्च होने वाला है स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर के साथ, और दोस्तों फ्लैगशिप इसमें और भी चीज़ें होगी। आपको क्या लगता है ये फ़ोन दोस्तों इंडिया में कब तक आएगा और कितने जल्दी आएगा? लेकिन चाइना में दोस्तों नेक्स्ट मंथ लॉन्च होगा, इसकी पूरी गारंटी है। आपको जो भी लगता है अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट में।
चलिए दोस्तों एक सवाल पूछते हैं, पोकेमोन आप लोग में से किसको किसको फेवरेट है, कौन कौन गेम खेले या कौन कौन दोस्तों स्टिकर वगैरह लगाते हैं। लेकिन दोस्तों चाइना ने कोरिया में ऐसा बताया जा रहा है कि पोकेमोन करके अपना जो नया बट 2 है उसका दोस्तों बॉक्स को बना दिया है। इस तरह कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है, मतलब देखने में लगेगा पोकेमोन जब खोलेंगे तो गोगोमोन। मतलब दोस्तों मजाक कर रहे हैं लेकिन ऐसा होने वाला है। आपकी जो भी राय है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं वन प्लस का नॉट 2T। आज दोस्तों यूरोप में लॉन्च हो चुका है, इसकी जो प्राइस आई है दोस्तों कन्वर्ट करेंगे तो 32,700 रुपये होता है इंडियन मनी के हिसाब से। डायमेंसिटी 1300 वाला दोस्तों इस पर प्रोसेसर देखने को मिलता है, 6.4 इंच का दोस्तों सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120Hz के साथ, 50-60 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 32 का सेल्फी, 4500 mAh की बैटरी और 60W का फास्ट चार्जिंग। आपको क्या लगता है ये दोस्तों इंडिया में आएगा तो आप इसे बाय करेंगे या फिर दोस्तों ये दूसरा ब्रांडिंग के साथ आएगा, आपकी जो भी राय है कमेंट में अपनी राय। चलिए दोस्तों बात करते हैं वीवो की। वीवो का भी दोस्तों एक फोन इंडिया में 4G फोन जिसको बोलते हैं लॉन्च हो गया दोस्तों, वीवो का Y75। और ऑफलाइन में दोस्तों इसका पोस्टर आप बहुत देखने वाले हैं क्योंकि फोन का दोस्तों प्राइस है 20,999 रुपये। लेकिन इसमें मिलता है हीलियो का G96 का प्रोसेसर। प्रोसेसर ठीक है भैया लेकिन 20,000 नहीं जाना चाहिए, नीचे रहना चाहिए था। बात करते हैं डिस्प्ले की, यहाँ पर 6.4 इंच का दोस्तों सुपर एमोलेड डिस्प्ले 90Hz के साथ। यहाँ पर दोस्तों जो इसका कैमरा देखने को मिलता है 50-60 2 मेगापिक्सल का। यहाँ पर दोस्तों सेल्फी कैमरा 44 मेगापिक्सल का, मतलब जबरदस्त दोस्तों सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। 5000 mAh का बैटरी, 33W का फास्ट चार्जिंग। आपको क्या लगता है आप ऑफलाइन में ये फ़ोन को बाय करेंगे? कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है, मतलब सेल्फी जबरदस्त। आपकी जो भी राय है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं 23 मई को इंडिया में लॉन्च होने वाला है दोस्तों इन्फिनिक्स का हॉट 12 प्ले। ये जो फोन है दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है, यूनिसॉक का इसमें प्रोसेसर होने वाला है और ये जो फोन होने वाला है दोस्तों 7-8 हज़ार के रेंज में आएगा। इस तरह की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है, आप दोस्तों बाय करेंगे। 6000 mAh की इसमें बैटरी होने वाली है, आपकी जो भी राय है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं मोटो का G42। ये जो फोन है दोस्तों एमोलेड डिस्प्ले के साथ आएगा, ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, पंच होल डिस्प्ले होगा। लेकिन प्रोसेसर कौन सा होगा और ये 4G होगा या 5G होगा ये पता नहीं। आपको जो भी लगता है अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट में। तो दोस्तों टेक न्यूज़ होती है खत्म, उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, नया मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल एक मॉर्निंग में बहुत ही जबरदस्त वीडियो आ रहा है तो उसके लिए स्टे ट्यून करिए और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।